राजीव गांधी बस्ती इन दिनों पीने के पानी की समस्या से खासी परेशान है। यहाँ रहने वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बस्ती के लोग दूर दराज से पानी लाने मजबूर हैं। जबलपुर के चेरीताल स्थित राजीव गांधी बस्ती के नागरिक बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। काफ़ी लंबे वक्त से राजीव गांधी बस्ती में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के नागरिक दूर दराज से पानी लाने मजबूर हैं। इस तपती भीषण गर्मी में यहाँ के नागरिक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के नागरिक जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गर्मी के इस मौसम में राजीव गांधी बस्ती के लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हो चुके हैं। ये पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, मजदूरी करने जाए कि पानी भरे क्या करे, बताओ। एक हफ्ता हो गया जब से पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। अभी तो ये यहाँ से कॉलोनी से ला रहा है कि जहाँ मिल जाता है वहाँ से भर भर के बोरिंग का पानी लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या है पानी। कौन सी बस्ती? ये राजू नगर चेरीताल प्रमोद यादव। ये राजीव नगर चेरीताल बस्ती है और विगत 10 से 12 दिन से हम लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे पूरी बस्ती वाले। और यहाँ पर एक पहले बोर पंप हुआ करता था, क्योंकि ये 8 माह से बंद है और सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को बोरिंग के विषय में भी सूचना दी और जो पेयजल आता है वो 12 दिन से नहीं आ रहा है। इधर छोटे छोटे बच्चे सुबह 6 बजे से पानी के लिए निकलते हैं और आज तक पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। और आधी बस्ती में प्रेशर कम होने के कारण पानी आ रहा है, लेकिन आधी बस्ती इस तरीके से एक एक बूंद पानी को तरस रही है कि जैसे कोई लोग बाग मजदूरी करने जाते हैं कि पेट भरने के लिए, ऐसे पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शिकायत की तो क्या, शिकायत के बाद भी अधिकारी आश्वासन देते हैं कि देखते हैं कहाँ से प्रेशर बंद है, चालू करवाएंगे। हम लोग कम से कम सीएम हेल्पलाइन में 50 से 60 कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम में कंप्लेंट जाने के बाद संबंधित अधिकारी उस कंप्लेंट को अमल नहीं करते हैं और ना सीएम हेल्पलाइन की कोई भी बात को मानने तैयार है। जबलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।